नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। एटीएम मशीनों से 1,00,000 रुपए से अधिक की हुई चोरी, कोतवाली कुंडीपुरा और देहात थाना क्षेत्र में वारदात को दिया अंजाम। 1,25,00,000 रुपए चुरा ले गए चोर, अज्ञात पर मामला दर्ज। छिंदवाड़ा शहर के कोतवाली कुंडीपुरा और देहात थाना क्षेत्र में स्थित एटीएम मशीनों से 1,24,500 रुपए चोरी हुए हैं। वारदात 24 फरवरी की रात की बताई जा रही। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। चोरों ने पुराने तरीके से ही वारदात को अंजाम दिया, एक पिन के जरिए रुपए चोरी करना बताया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने ELC हॉस्टल निवासी अनुज कुमार पिता रुद्र नारायण ठाकुर की रिपोर्ट पर उठखाना पुराना नाका चित्रकूट कॉम्प्लेक्स एवं चंदन गांव के भारतीय स्टेट बैंक ATM मशीनों से 69,000 रुपए चोरी होने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार देहात थाना क्षेत्र के ओम आदित्य धाम कॉलोनी के पास स्थित ATM कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के ATM मशीन से भी रुपए चोरी हुए। सभी ATM से कुल 1,24,500 रुपए की चोरी होना सामने आया। वारदात के बाद से पुलिस रात के समय शहर के सभी ATM पर निगरानी रखे हुए, लेकिन शुक्रवार देर रात तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। फिर अपनाया पुराना तरीका, बदमाशों ने ATM मशीन से रुपए चुराने के लिए पहले मशीन में ATM कार्ड डाला है और कुछ रुपए निकालते समय ATM की शटर असेंबली को नुकीले औजार से दबाकर उसे बंद होने से रोका। दूसरी पतली पिन ATM के कैश बॉक्स तक पहुँचाई और उससे नकदी बाहर निकाली। इसके पहले भी इस ग्रोह के सदस्यों ने इसी तरह शहर में वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी को ATM रखरखाव करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने दबोचा था। दिनांक 24 फरवरी को यहां शहर छिंदवाड़ा शहर में करीबन 7 ATM से एक विशेष प्रकार के तकनीकी माध्यम से पैसे निकालकर चोरी करने की घटना संज्ञान में आया है। यहाँ ATM संचालन जो प्रभारी हैं अनुज कुमार द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट की गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कोतवाली क्षेत्र से 4 ATM से करीबन 69,000 रुपये निकाला गया है और इस प्रकार देहात थाना और धर्मटेकरी चौकी क्षेत्र से भी क्रमशः 2 एवं 1 ATM कुल इस प्रकार कुल 7 ATM से पैसे लगभग 1,25,000 रुपये निकाला गया है। प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है, आरोपियों की पतारसी की जा रही है। शहर के अलग अलग स्थानों पर यह घटनाएं घटित हुई है और सभी ATM SBI के हैं। टोटल 7 मशीन इसमें प्रभावित हुई है चोरों के द्वारा। वो लोगों ने गलत तरीके से मशीन की शटर असेंबली के साथ खिलवाड़ करके गलत तरीके से रुपयों का आहरण किया है। कुल हमने SBI से चेक किया है तो 1,24,500 रुपये की चोरी इसमें पाई गई है। उनका तरीका क्या है सर, किस तरह से निकालते हैं ये मशीन? ये मशीन की जो शटर असेंबली होती है, जब कैश निकलने वाला होता है वहाँ छेड़छाड़ी करते हैं, कुछ डिवाइस लगा देते हैं। एक औजार है जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो घटना अभी 24 तारीख को हुई थी, 6 जनवरी को भी हुई थी। तो ये तरीका वही है जो पिछली बार चोरी में घटना में औजार थे, उसी प्रकार का औजार है ये। और जैसे ही हमको सूचना मिली हमारी लोडिंग एजेंसी से कि मशीनों में छेड़खानी हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को सूचना दे दी थी। पुलिस अलर्ट होके जिले के सभी स्थानों का चेकिंग चालू कर दी थी। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।